श्योर तो बेसिकली आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड में बात करेंगे टेबल। इन शॉर्ट के अंदर हमारा टेबल होता है। टेबल मतलब कि आपको कुछ डेटा बनानी हो, कुछ लिस्ट बनाना हो, कुछ ऐसा आर्टिकल बनाना हो, तो हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जगहों पे इनवाइसेस वगैरह है, उस पर भी टेबल का इस्तेमाल करते हैं। टेबल पहले करते हैं, कैसे लेते हैं हम बताते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए कि तीन तीन कॉलन है, पांच रो का चाहिए, तो तीन कॉलन और यहाँ से अपने पांच रो सेलेक्ट करके इन ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये हमारा टेबल बन गया। अब इस टेबल को बड़ा करना है या छोटा करना है, हम यहाँ पे हम कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि मुझे बनाना है कि सीरियल नंबर, नेम एंड अमाउंट, तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया, टैब प्रेस करके इस पे आए, नेम लिख दिया, टैब प्रेस करके यहाँ आए, अमाउंट लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके, जो कि सीरियल नंबर अगर छोटा है तो छोटा रहना चाहिए, नेम है हमारा, नेम है आपने, हमने यहाँ पे नेम ले लिया, नेम इतना बड़ा होना चाहिए। और फिर हमारा अमाउंट है, तो अमाउंट को लिया और इसको यहाँ से छोटा कर दिया, ये टेबल हमारा छोटा बन कर दिया। गया। अब इसमें मान लीजिए कोई डेटा एंट्री करना है, जैसे नेम है यहाँ पे हमने कर दिया कि पूजा, अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया, टैब प्रेस करके एंटर प्रेस करोगे तो बड़ा हो, एंटर नहीं करना है, टैब करना है। क्या करना है? टैब। टैब करते ही नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा, टैब इंदर, वापस टैब। तो इस तरह से इसकी एंट्री जो है टैब में होती है, ठीक है। उगेश यहाँ पे टैब 6, सॉरी यहाँ पे 4 होना चाहिए, 3, 3, 4, मोहन, और यहाँ पे हम, और यहाँ पे 5, यहाँ पे ओम, तेरा। अब जैसे एंटर प्रेस करते हैं ना, तो ये बड़ा होता है, इसे एंटर प्रेस में कीजिएगा। अब नहीं बारी सर, आती है कि मुझे एक और लाइन ऐड करनी थी, एक और लाइन ऐड करनी थी, इस पर राइट क्लिक ऐड करनी कीजिए थी। और यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट में क्या है, कॉलम करना है, लाइन करना है, रो करना है। तो हमने मतलब रो करना है कहाँ, इसके ऊपर या हाँ, नीचे, तो हमने लिख दिया बिलो। अब हम मतलब ऊपर, बिलो मतलब ऊपर नीचे, नीचे। ऐसी कॉलम ऐड करना है तो इंसर्ट कॉलन आप कर सकते हैं कि मुझे कॉलन इंसर्ट करना है राइट में या लेफ्ट में, इस तरह से आप राइट इंसर्ट कर में सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट, सेलेक्ट करने के बाद यस। इसको हम मूव भी कर सकते हैं कि मुझे यहाँ रखना है या यहाँ रखना है या हाँ जहां मर्जी वहां रखना है, समझ गए सर। यस सर। अब इसकी अपनी फॉर्मेटिंग भी होती है, जैसे मैं चाहता हूँ हेडिंग कलर हो जाए, तो यहाँ यहाँ पे आप हेडिंग को सेलेक्ट कर ले, हेडिंग सेलेक्ट कर लिया हमारा। सेलेक्ट अब इस पे हाईलाइट कलर कर नहीं करेंगे, क्योंकि तो हाईलाइट करेंगे करेंगे तो हाईलाइट ही होगा, मुझे हाईलाइट कलर लिया। नहीं करना है। ये आपको दिख रहा होगा बकेट कलर, जिसको हम शेडिंग कहते हैं या फिल कलर कहते हैं। इस फिल कलर के अंदर में आएंगे और यहां से अपना सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिए, ये आपके सामने वहां होता है, ठीक है सर। यस सर। इस तरह से हम अपना अमाउंट इस्तेमाल करते हैं, करेंगे ये टेबल इस तरह से बनाते हैं। अब चलिए टेबल जब हुआ है तो एक और आती है बारी, टेबल ड्रॉ करने की, ठीक है, टेबल ड्रॉ करने की। जैसे हाँ, तो हमने यहाँ इंसर्ट में तो टेबल इंसर्ट कर सकते हो, उसके अलावा यहाँ पर आता है ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल पे टेबल। आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये रहा टेबल बना ले लिया, इसमें मुझे यहाँ सीरियल नंबर चाहिए, तो सीरियल नंबर आ गया, मुझे यहाँ हाँ, पे नेम चाहिए तो नेम आ जाएगा, मुझे यहाँ डेट चाहिए, नेम आ डेट चाहिए, और डेट में मैं यहाँ से मान लीजिए कि नीचे, हाँ नीचे से ये ले लेता हूँ पूरा रो, ठीक है। और एक और ले लिया, ठीक है, अब देखिए क्या होगा। जैसे कि हमें यहाँ ऊपर लिया,
ये जा नहीं रही है। हाँ ये देख रहा हूँ जा नहीं रही है अपनी जगह पे। ड्रॉ टेबल में दिक्कत होता है कि वो जगह से हिलता नहीं है। इरेजर मेरे ख्याल से शायद इसमें यूज करना होगा। हाँ इरेजर यूज करना होगा, लेकिन इरेजर नहीं, पूरे टेबल को कट कर लेता हूँ। तो ड्रॉ टेबल हम डायरेक्ट नहीं बना रहे, ठीक है, हम पहले हाँ टेबल ले रहे हैं यहाँ पे, एक बड़ा सा टेबल ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ हमारा सीरियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे हमारा डेट। अब डेट के लिए मैं चाहता हूँ दो कॉलन होने चाहिए, क्या होना चाहिए, दो कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे हम मर्ज सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मर्ज। मर्ज में अब यहाँ पे हमारा डेट आ जाता है, सॉरी पहले नेम देते हैं उसके ठीक बाद डेट करेंगे। यहाँ पे नेम और डेट के लिए यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ से मर्ज, राइट क्लिक किया, मर्ज कर दिया। मर्ज में ये हमारा डेट हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये हो गया 1 सितंबर 2022। Recording रिकॉर्डिंग stopped. स्टॉप्ड, चलिए हो गया। इसके Recording बाद in इसको progress. सेलेक्ट किया, इसको भी मैं मर्ज करता हूँ और इसको भी मर्ज करता हूँ। अब इसमें हमारा हो जाता है इन, ये हो जाता है इन हो जाता है, ये हमारा आउट हो जाता है, समझ गए। जाता अब इसमें हुआ था मुझे इन है। दोनों को सेलेक्ट करके भी मर्ज करना, मर्ज, और इसको भी सेलेक्ट किया और हमने कर दिया मर्ज। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 सितंबर 2022, यहाँ हो जाएगा आपका 3 सितंबर 2022, यहाँ हो जाएगा आपको, यहाँ यहाँ टोटल कर देते टोटल। और ये आपका इन आउट आप यहाँ डाल सकते हैं, इन आउट इस तरह से, ठीक है। अभी इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे सेंट्रल कर देता हूँ, सेंट्रल हो गया। और इसको भी सेलेक्ट ओके करके सेंटर, सेलेक्ट। सेलेक्ट करके सेंटर कर, ठीक है सर। तो इससे अब इसको सेलेक्ट करके कलर भी कर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड। तो इस तरह से भी हम बनाते हैं। अब ये जो ड्रॉ टेबल था वो क्या था, देखिए ड्रॉ टेबल में कभी कभी क्या होता है कि हमें एक जगह पे कई सारे अपने हिसाब से टेबल बना जाते हैं। तो ड्रॉ टेबल में हम उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि अपना से एक बड़ा सा टेबल ले लिया, उसके अंदर हमने ए रो डिफाइन कर दिए, ए हमारा रो है, ए हम बाहर नहीं जाना चाहिए, देखा ये रो है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि एक कॉलम डिफाइन, कॉलम हो जाएगा यहाँ, कॉलम हो जाएगा, और इसके कई सारे पार्ट हो, ठीक है सर। तो कई सारे, इसमें ड्रॉ करते हैं हम लोग हाँ इस ड्रॉ सर, केस। हाँ कई सारे जगह पे देखा होगा ना आपने इस तरह से लिखा हुआ क्या, हाँ यस सर देखा है। हाँ तो ऐसे केसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यस सर। ये बीच में ड्रैग करते गायब हो जा रहा।
और इसकी एक अपनी एक सेटिंग है, उस सेटिंग से ऊपर नीचे होने पे दिक्कत हो जाता है, इसलिए अपने हिसाब से जो करना है कर ले, उसके बाद सेटिंग ऊपर। तो इस तरह की चीजें करने के लिए टेबल का इस्तेमाल, अगर आपको आज अगर आपको और ज्यादा डिटेल में और फॉर्मेटिंग वगैरह और फॉर्मूले वगैरह सब लगवाना है, तो नीचे आपका आता है एक्सेल स्प्रेडशीट, दिख रहा है? यस एक्सेल स्प्रेडशीट में जाते हैं तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल देता है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल गया, अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स हैं, ये हाँ आप कर सकते हैं। ऊपर वापस क्लिक करोगे तो हट के वापस एक्सेल सीट में आ जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसी के अंदर आपके सामने होता है क्विक टेबल। क्या होता है टेबल क्विक टेबल? क्विक टेबल में, जैसा आप इसमें ऐसा चाहिए क्लिक कर दें, टेम्पलेट साइज। टेम्पलेट टाइप का आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना डेटा चेंज कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो क्विक टेबल इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी चीज होता है कि आप टेबल की जो कलर है ना, कलर भी चेंज हो जाता है। लाइनिंग जो है हमारा, एक लाइनिंग दिख रहा है आपको, ये लाइनिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर में आपको यहाँ पे टेबल डिजाइन लेआउट आता है, तो यहाँ पे बने बनाए डिजाइन है, उस डिजाइन को सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कैसा डिजाइन चाहिए, पहला। दूसरा, इसमें आपका सेटिंग आता है कि सेटिंग का कलर, बैकग्राउंड कलर जो बाहर किया था, फिर आता है बॉर्डर स्टाइल कि बॉर्डर का स्टाइल कैसा होना चाहिए, सिमिलर ए बॉर्डर का स्टाइल होना चाहिए। और क्लिक करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि बॉर्डर कहाँ पे लेना है, तो मैं बोला कि ए बॉर्डर होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ से बॉर्डर के लाइनिंग में चाहिए मुझे, तो लाइनिंग में भी आपको यहाँ से इस पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। चेंज हो गया, दिख रहा है सर? हाँ या फिर आप यहीं से बॉर्डर का चुनाव चुनाव कर सकते हैं कैसा होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा वर्ड में थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एक्सेल में बड़ी आसानी से हो जाता है। फिर ओके वापस इस पे क्लिक कीजिए, हट जाएगा। बॉर्डर पेंटर है आपका, है बॉर्डर पेंटर है, और भी बॉर्डर से अपनी साइड से बॉर्डर ले सकते हैं, इस तरह का बॉर्डर चाहिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर में समझा दिया, बॉर्डर की कीजिए प्रैक्टिस। कल हम बॉर्डर से नेक्स्ट क्लास में बॉर्डर से रिलेटेड एक तो एक प्रोजेक्ट मैं करके दिखाऊंगा, एक प्रोजेक्ट आपको करना है, ठीक है सर? ओके सर।